तो वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म इंटरप्रिटेशन। इस लेक्चर में हम देखेंगे जो रेडियोग्राफी करने के बाद हमारे पास जो फिल्म आती है, जो बेसिकली रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है, उस रिकॉर्डिंग डिवाइस में जो भी चीज़ हमको दिख रही है उसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। उसमें हम डिफाइन करेंगे कि ये जो डिफेक्ट दिख रहा है, ये डिफेक्ट है या नहीं है, ये रेलिवेंट है, इररेलीवेंट है, पार्ट इस पर रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा, एंड मैनी थिंग अबाउट इट। ठीक है, मतलब बेसिकली आप रेडियोग्राफी तो निकाल लोगे। ठीक है, रेडियोग्राफी निकालने के बाद आपके पास फिल्म भी आ जाएगी, पर जब तक आपको वो फिल्म देखना नहीं आएगा तब तक आप पार्ट के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। बिकॉज पार्ट के ऊपर एक्शन लेने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट में जो डिफेक्ट दिख रहा है वो कैसा है, कौन सा डिफेक्ट है। अगर डिफेक्ट है तो फिर वो रेलिवेंट है या इररेलीवेंट है, या तो ऐसा तो नहीं है कि ये डिफेक्ट फॉल्स इंडिकेशन। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स फॉर दिस। सो हम हमेशा एक चीज करते हैं कि वी नीड एन एक्सपीरियंस इंटरप्रेटर टू इंटरप्रेट द फिल्म, सो वी डू नॉट फॉल इन टू फॉल्स इंटरप्रिटेशन। मतलब बेसिकली अगर मैं कोई इंटरप्रिटेशन करता हूँ, ठीक है, अगर मुझे पता ही नहीं कि कोई डिफेक्ट कैसा दिखता है, समझो मैंने स्लैग इंक्लूजन की बात की, अगर मुझे पता ही नहीं कि स्लैग इंक्लूजन फिल्म पे कैसा दिखता है, तो क्या मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, क्या मैं उसको समझ पाऊंगा, क्या मुझे पता चलेगा कि स्लैग इंक्लूजन है या पोरोसिटी है। इट वुड बी रियली हार्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज टू। सो व्हाट वी डू इज वी हैव अ जनरल आइडिया कि व्हाट डिफेक्ट इज एंड हाउ इट इज लुक्ड, मतलब कैसा दिखता है वो बेसिकली। अगर स्लैग इंक्लूजन है तो वो कैसा दिखेगा, अगर पोरोसिटी है तो वो कैसा दिखेगा। बेसिकली हमें एक बार इतना पता चल गया कि कौन सा डिफेक्ट कैसा दिखता है। इसके बाद जब हम रियल लाइफ एप्लीकेशन में जाते हैं, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, हम जो भी डिफेक्ट हमें दिखता है हम उसको रेफरेंस से कंपेयर करते हैं, और रेफरेंस से कंपेयर करने के बाद हम उस पर डिसीजन लेते हैं कि ये जो डिफेक्ट है ये कैसा है, एक्सेप्टेबल है, रिजेक्ट है, या बेसिकली कौन सा डिफेक्ट है। तो बहुत बार ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि डिफेक्ट है कौन सा। अब जनरली बहुत बार ऐसा भी होता है, अब जैसे मैंने बोला कि RTFI इज बेसिकली डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव। सो अगर आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है देन यू आर अ गुड इंटरप्रेटर, इफ यू लैक एक्सपीरियंस देन यू वुड बी अ बैड इंटरप्रेटर। तो एक्सपीरियंस आने के लिए भी आपको काम करते रहना, तो बेसिकली एक्सपीरियंस आने के लिए भी आपको काम करते रहना पड़ता है। सो व्हाट वी एम हियर इज कि मैं आपको बताऊंगा कि इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, कोई डिफेक्ट कैसा दिखता है, कोई डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कोई डिफेक्ट को साइज कैसे करते हैं। बट देन अगेन जब तक आप सारे डिफेक्ट, अब आप पोरोसिटी अगर 1000 बार पोरोसिटी नहीं दिखोगे तो आपको पोरोसिटी में फर्क ही नहीं समझे। ठीक है, सो ये तो मैं व्हाट वी एम हियर इज कि मैं आपको फेमिलियर कराऊ सारे डिफेक्ट से। सो व्हाट आई एम टू डू हियर कि मैं आपको सारे डिफेक्ट से फेमिलियराइज कराऊ, आपको सारे डिफेक्ट समझाऊ कौन सा डिफेक्ट कैसा दिखता है, किस लिए आता है। क्योंकि तो बहुत बार देखो आपको डिफेक्ट तो दिख जाएगा, ठीक है, या आपको इंडिकेशन तो दिख जाएगा, पर वो इंडिकेशन है कौन सा, वो इंडिकेशन क्यों आ रहा है, वो इंडिकेशन आने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या वो रेलिवेंट है या इररेलीवेंट है, ये सारी चीजें मैं आपको बता तो दूंगा। बट जब आप प्रैक्टिकल केस में जाओगे तो आपको फिर भी कन्फ्यूजन होगा। तो वो कन्फ्यूजन कैसे कर्व करते हैं, हम किस अप्रोच में उसको डील करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इस कोर्स में, विच इज रेडियोग्राफिक फिल्म इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली रेडियोग्राफिक फिल्म इंटरप्रिटेशन क्या है, तो जनरली हम रेडियोग्राफी करते हैं। अगर आपने पहले भी मेरा कोई लेक्चर देखा है तो मैंने रेडियोग्राफी बहुत एक्सटेंसिवली सिखाई थी। तो अगर आपने रेडियोग्राफी किया तो रेडियोग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिकॉर्डिंग डिवाइस। बिकॉज अगर आप रेडियोग्राफी कर रहे हो और आपने रेडियोग्राफी का रिकॉर्डिंग डिवाइस को रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्डिंग डिवाइस ही नहीं आपके पास या फिल्म ही नहीं है, तो वो किसी यूज का नहीं रहेगा। सो बेसिकली रेडियोग्राफ करने के लिए हमें एक फिल्म चाहिए जिसपे हम रिजल्ट्स रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे ही ये हो जाता है इसके बाद हम वो फिल्म को स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद वी सेंड इट टू एन इंटरप्रेटर जो हमें इंटरप्रेट करके बताता है कि फिल्म में हुआ क्या। ठीक है, सो व्हाट इज रेडियोग्राफिक फिल्म इंटरप्रिटेशन कि हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं उसका रेडियोग्राफी निकालते हैं, तो रेडियोग्राफी निकालने के बाद जो फिल्म को देखता है उसको हम रेडियोग्राफिक फिल्म इंटरप्रेटर बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज अनदर पार्ट ऑफ एन NDT, मतलब बेसिकली RTFI का ही पार्ट है, बट RTFI इज डिफरेंट। बिकॉज आपको RT के बारे में पता होगा तभी आप RTFI कर सकते हो, बट अगर आप सिर्फ RT करते हो तो आप RT टेक्नीशियन हो जाओगे, यू वुड नॉट नो हाउ टू इंटरप्रेट द डिफरेंस। ओके,
अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, जैसे मैंने आपको बहुत सारे, जिन्होंने मेरा पहले भी कोर्स देखा है, हमने बहुत सारे डिफेक्ट्स की बात करते हैं हम। जैसे वेल्डिंग हो गया, तो वेल्डिंग में लैक ऑफ पेनिट्रेशन होता है, लैक ऑफ फ्यूजन होता है, तो अंडरकट होता है, पोरोसिटी होता है, एन नंबर ऑफ थिंग्स होते हैं एक वेल्ड में। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हर डिफेक्ट दिखता कैसे, तभी मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये तो सिर्फ वेल्डिंग की बात है। अब कास्टिंग में, तो कास्टिंग में अलग सेट ऑफ डिफेक्ट्स है, कास्टिंग में श्रिंकेज है, कास्टिंग में ब्लो होल्स है, कास्टिंग में कोल्ड शर्ट है, कास्टिंग में देन अगेन क्रैक्स भी है। तो वो कैसे दिखते हैं मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक्सट्रूजन वगैरह कर रहा था तो उसमें अलग सेट ऑफ डिफेक्ट्स है, या तो फिर अगर मैं ब्रेजिंग वगैरह करता हूँ तो उसमें भी अलग सेट ऑफ डिफेक्ट्स है। तो बेसिकली अब मैं समझो मैं एक इंटरप्रेटर हूं और मैं सिर्फ वेल्डिंग इंटरप्रेट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप कास्टिंग के इंटरप्रेटर में भी अच्छा हूँ, ठीक है। मैं जिस चीज का डिफेक्ट का आई इंटरप्रिटेशन करता हूँ, जो डिफेक्ट मैं रोज देखता हूँ, जो प्रोसेस मैं रोज देखता हूँ, मैं उसमें ही इंटरप्रिटेशन बेटर कर पाऊंगा। अब मैं वेल्डिंग के इंटरप्रेटर को कास्टिंग में बेटर होना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेसिकली हर चीज का क्रक्स यहीं पर आके रुकता है कि आपको जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पता है उसमें आपको सारे डिफेक्ट पता है क्या, वो सारे डिफेक्ट के रूट कॉजेस पता है क्या, उनके प्रिवेंशन मेथड्स पता है क्या। और इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है कि वो डिफेक्ट फिल्म पे कैसा दिखता है। तो बेसिकली स्टेप वाइज अगर जाए तो पहले आप आरटी निकालोगे, आरटी के बाद फिल्म आएगी, फिल्म के बाद आप डिफेक्ट देखोगे, डिफेक्ट देखने के बाद आइडेंटिफाई करोगे कि ये डिफेक्ट है, मतलब रेलिवेंट इंडिकेशन है या नॉन रेलिवेंट इंडिकेशन है। अगर नॉन रेलिवेंट इंडिकेशन है तो उसको निग्लेक्ट करोगे, अगर रेलिवेंट इंडिकेशन है तो आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा डिफेक्ट है। अब ये डिफेक्ट आइडेंटिफाई होने के बाद देखोगे कि ये डिफेक्ट एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल केस है। अगर एक्सेप्टेबल केस है तो आप पार्ट को एक्सेप्ट करोगे, अगर रिजेक्टेबल केस है तो पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा, अगर पार्ट को रीवर्क में भेजना है तो पार्ट रीवर्क में चला जाएगा, ठीक है। सो रेडियोग्राफिक फिल्म इंटरप्रिटेशन क्या होता है? पहले तो एक टेक्नीशियन होता है जो रेडियोग्राफी निकालता है, जो हमने आरटी पहले पढ़ा, जो आरटी करता है उसको हम आरटी टेक्नीशियन बोलते हैं। देन एक और टीम होती है जिसको डेवलपिंग टीम बोलते हैं। आरटी टेक्नीशियन और आरटी डेवलपर अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इंटरप्रेटर होता है। एक इंटरप्रेटर जो होता है वो आरटी से जो फिल्म निकली है उसको इंटरप्रेट करता है और देखता है कि पार्ट जो हमने बनाया है वो पार्ट सही है गलत है कैसा है बेसिकली, ठीक है। तो क्या इधर टेक्नीशियन कैप्चर्स रेडियोग्राफिक फिल्म ऑफ वेल्ड्स, देन अ वेल्ड इंटरप्रेटर स्टार्ट्स टू इंटरप्रेट द फिल्म एंड फाइंड डिफेक्ट्स विजुअली बाय द मींस ऑफ अ स्पेसिफिक लाइट। अभी स्पेसिफिक लाइट क्या है? बेसिकली फिल्म व्यूअर नाम की एक चीज आती है, वो फिल्म व्यूअर पे हम फिल्म रखते हैं, वहां से बहुत हाई इंटेंसिटी लाइट निकलती है और वो हाई इंटेंसिटी लाइट से हमें पता चलता है कि डिफेक्ट कहाँ है कैसा है और बेसिकली हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेटर डज दिस बाय यूजिंग हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेक्ट्स इन द फिल्म। तो मैंने वही बात बोली, जितना एक्सपीरियंस आपको ज्यादा होगा उतना आपने वो डिफेक्ट बहुत ज्यादा बार देखा होगा और उसकी वजह से ही आपको पता चलेगा ये डिफेक्ट कैसा है। जैसे सिंपल सी बात होती है, आप बाइक चलाते हो, ठीक है, बाइक चलाते हो तो आपको पहले तो पता होना चाहिए ना कि पंचर में क्या फील होता है, तभी आपको पता चलेगा ये पंचर है। नहीं तो आप पहली बार बाइक चला रहे हो, गाड़ी पंचर है, आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी पंचर है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है, उसके बाद ही आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते, ठीक है। अब मेथोडोलॉजी क्या है? बेसिकली ये सिंपल है, हमने रेडियोग्राफी में देखा है, यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। फॉर कैप्चरिंग द इमेज, पहले तो बेसिकली क्या करते हैं हम, इमेज कैप्चर करने के लिए हम पहले तो ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट के एक तरफ हम सोर्स रखते हैं, सोर्स गामा रे हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, ऑपोजिट साइड ऑफ द सोर्स हम रखते हैं फिल्म। और क्या करता है गामा रे? एक हमें इमेज बना के देता है ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी आर इंटरप्रेटिंग, तो हमें उसका एक इमेज बना के देता है फिल्म पे और हम ऑब्जेक्ट को फिर विजुअली टेस्ट नहीं करते या ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिकली टेस्ट नहीं करते, हम सिर्फ वो फिल्म देखते हैं और फिल्म को देखने के बाद हम ऑब्जेक्ट का फिटनेस चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो अब देखो बहुत सारे टाइप के डिफेक्ट होते हैं। अब डिफेक्ट मतलब अब जितने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उतने अलग टाइप के डिफेक्ट, ठीक है। कुछ कुछ डिफेक्ट सब में आते हैं, जैसे क्रैक हो गया, क्रैक अब जितने प्रोसेस उतने टाइप के डिफेक्ट। अब
जैसे सब कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं जो सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आते हैं। जैसे क्रैक हो गया, क्रैक एक ऐसा डिफेक्ट है जो हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आते हैं, भले वो एक्सट्रूजन हो, कास्टिंग हो, मोल्डिंग हो, या तो फिर वेल्डिंग हो, हर में क्रैक तो आता ही है। अब कुछ कुछ डिफेक्ट है जो स्पेसिफिक है, जैसे कोल्ड शर्ट है तो वो कास्टिंग में ही आता है, अगर लैक ऑफ फ्यूजन है तो वो वेल्डिंग में आता है। ठीक है, हम जनरली हमारा फोकस जो होता है जब हम एनडीटी करते हैं या बेसिकली कोई भी टाइप का टेस्टिंग करते हैं, तो हमारा जनरल फोकस होता है कि वेल्डिंग के डिफेक्ट्स कैसे होते हैं, बिकॉज वेल्डिंग सबसे क्रिटिकल जगहों पे की जाती है और वेल्डिंग के डिफेक्ट्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वेल्डिंग में ही सबसे ज्यादा डिफेक्ट आता है। ठीक है, अगर समझो दो पार्ट मैंने वेल्डिंग से कनेक्ट किया है, अगर वो वेल्ड जॉइंट सही नहीं है तो वो दो पार्ट कभी होल्ड में नहीं रहेंगे, वो पार्ट बीच में से टूट जाएंगे सर्फेस के बीच। सो दैट इज अनडिजायरेबल और हम वो हैंडल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, बी आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स एंड वी अंडरस्टैंड कि ये डिफेक्ट है या नहीं है, या हमें फिर से वेल्ड करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली हम हमारा फोकस सबसे ज्यादा वेल्डिंग पे होगा, बट हम बाकी डिफेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो वेल्डिंग में मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट क्या है, बर्न थ्रू है, लैक ऑफ फ्यूजन है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन है, स्लैग इंक्लूजन है, ऐसे तो बहुत सारे टाइप के डिफेक्ट है। वेल्डिंग में ही 20 से 25 टाइप के अलग अलग डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, बट ये मेन वाले जो आपको रोज दिखेंगे, अब कुछ कुछ डिफेक्ट है जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत कम है। जैसे अगर मैं बात करूं कि बर्न थ्रू, ठीक है, बर्न थ्रू बहुत कॉमन है, बर्न थ्रू वेल्डिंग में आता है, बहुत ज्यादा भी आता है। अब लेकिन एक चीज अगर मैं बात करूँ टिग टंगस्टन इंक्लूजन, तो टंगस्टन इंक्लूजन बहुत रेयर आता है, बिकॉज वो सिर्फ एक ही बार आ सकता है जब आप टिग वेल्डिंग कर। ठीक है, अगर आप टिग वेल्डिंग नहीं कर रहे हो तो टंगस्टन इंक्लूजन का चांस ही नहीं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कोई डिफेक्ट के आइडेंटिफिकेशन होने की या डिफेक्ट के ऑकर होने की, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा डिफेक्ट हो सकता है। बिकॉज हमें फिल्म पे तो सिर्फ इंडिकेशन दिखता है, वो इंडिकेशन क्या मीन करता है ये हमारे दिमाग के ऊपर और ये हमारे समझ के ऊपर है। ठीक है, आगे बढ़ते। तो बर्न थ्रू, अब बर्न थ्रू कौन सा डिफेक्ट होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो बर्न थ्रू एक ऐसा डिफेक्ट है जहां पे हमारा जो बेस मेटल है वो बेस मेटल जल जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। अगर उसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो आपका जो मोल्टन मेटल है, जो फिलर मेटल है, ठीक है, वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए, और कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से उस जगह पे वो पेरेंट मेटल में खड्डा करते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ बर्न थ्रू। और एक और वजह से बर्न थ्रू आता करता है, जो आपकी वेल्ड की स्टिक है, आपने रूट में वो स्टिक बहुत जोर से ढसा दी, ठीक है, बहुत जोर से इंडी के इंडेंट कर दिया आपने, तो उसमें क्या होगा, आपका जो टिप है वो टिप पे अराउंड 1300-1400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। ठीक है, और वो अगर नेकेड फ्लेम मतलब नेकेड स्पार्क वहां पे जाके लग गया और आपकी वेल्ड की स्टिक चिपक गई वहां पे, तो आपको बर्न थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो बर्न थ्रू एक ऐसा डिफेक्ट है जो जनरली जनरली आपको वेल्ड के सेंटर में मिलता है या एजेस पे मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि बीच में तो जगह खाली होनी है, बीच में जगह अगर खाली होगी तो आपको वहां पे बर्न थ्रू नहीं मिलेगा, पर आपको बॉटम पे मिल सकता है या तो आपको एजेस पे मिल सकता है जहां पे बेस मेटल है। अगर आपने एज प्रिपरेशन किया है तो जहां पे आपका एज प्रिपरेशन है वहां पे मिलेगा, या तो जहां पे रूट है वहां पे मिलेगा। तो अब देखते हैं ये डिफेक्ट दिखते कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा एक पेरेंट मेटल है, ये हमारा दूसरा पेरेंट मेटल है, ये जो व्हाइट पार्ट है ये व्हाइट पार्ट वेल्डिंग है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बर्न थ्रू हुआ है, बर्न थ्रू कहाँ पे हुआ है, ये जो वेल्ड है ये वेल्ड का सेंटर है, ये जो सेंटर लाइन है ये वेल्ड का रूट है। ठीक है, तो रूट के सेंटर में जो स्टिक है वो ढस गई थी, वो उसने बहुत ज्यादा इंडिकेशन इंडेंट किया था, वहां से मेटल में खड्डा हो गया। ठीक है, तो आपने जब रेडियोग्राफी पढ़ा होगा तो रेडियोग्राफी में मैंने बताया था कि लो थिकनेस डार्क इमेज, हाई थिकनेस ब्राइट इमेज। ठीक है, तो अगर अब बेस मेटल में खड्डा हो गया मतलब बेस मेटल की थिकनेस कम हो गई है। ठीक है, और अगर थिकनेस कम हो गई है तो वहां पे हमें डार्क इंडिकेशन मिल रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये तो कुछ और भी दिख सकता है। ठीक है, मान दो कुछ और भी दिख सकता है, बट एक चीज समझो,
ये जो बर्न थ्रू है ना, ये बर्न थ्रू जनरली आपके वेल्ड की जो स्टिक है उस डायमीटर का होगा, बिकॉज आपकी स्टिक इंडेंट हुई है. स्टिक इंडेंट हुई है तो उस केस में क्या होता है, जो स्टिक है वो अगर नेकेडली लगती है तो जितना स्टिक का जो डायमीटर है उस डायमीटर का हमें इंडिकेशन मिलता है, या उस डायरेक्शन उसका बर्न थ्रू होता है. ठीक है, तो जनरली हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ये बर्न थ्रू हो गया, ये सेंटर में भी है, थोड़ा बड़ा सा भी है, और ये पोरोसिटी नहीं हो सकता बिकॉज गैस एंट्रैपमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती. ठीक है, अब सेकेंड डिफेक्ट क्या है, सेकेंड डिफेक्ट है लैक ऑफ फ्यूजन. लैक ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जब आप वेल्डिंग करते हो तो वेल्डिंग आप एक ही बार में तो करते हो, पहले आप क्या करते हो, पहले आप रूट में वेल्ड भरते हो, रूट पास करते हो, फिर चेक करते हो रूट पास सही हुआ है कि नहीं हुआ, सब जगह भर गई है कि नहीं भर गई है. उसके बाद आप ट्राई करते हो फिलर पासेस भरने के. फिलर पासेस भरते टाइम आप लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर भरते रहते हो. ठीक है, तो लैक ऑफ फ्यूजन क्या होता है, दो टाइप के लैक ऑफ फ्यूजन होते हैं. एक होता है लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन. अब लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन मतलब क्या, कि अब आपका जो वेल्ड है, वेल्ड का काम था कि दोनों पेरेंट मेटल को होल्ड करके रखना, बट इन दिस केस आपका वेल्ड क्या करता है, आपका वेल्ड यहाँ पे टच ही नहीं करता, आपका वेल्ड श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक होने की वजह से जो एज है, एज में एक जगह पे होल्ड नहीं होगा. ठीक है, गैप रह जाएगा बेसिकली वहां पर. सो दिस इज नोन एज लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन. अब लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन मतलब कैसा, जो साइड वॉल्स है, जैसे ये एक साइड वॉल है और ये एक साइड वॉल है, अगर ये साइड वॉल में अगर वेल्ड आपका चिपका नहीं है सही से तो हम उसको बोलते हैं लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन. ठीक है, अब सेकेंड चीज क्या होता है, एक और टाइप का फ्यूजन होता है, उसको बोलते हैं हम लैक ऑफ इंटर पास फ्यूजन. ठीक है, अब लैक ऑफ इंटर पास फ्यूजन मतलब क्या, सिंपल सी बात समझो, अगर मैंने रूट पास भरा, सबसे पहले रूट पास भरना मतलब इतना सा एरिया हमने भरा वेल्ड से, ठीक है, वेल्ड सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अब सेकेंड टाइम मैं जब वेल्ड का पास भरने आ रहा हूं तो मैंने जो वेल्ड का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कम रखा है, सम रीजंस की वजह से कम रहेगा. ठीक है, तो अब कम रह गया तो क्या होगा, पहले वाला जो वेल्ड है वो तो ठंडा हो चुका है. ठीक है, ठंडा हो चुका है, सॉलिडिफाई हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है. अब आप जो दूसरा वेल्ड भर रहे हो उसमें टेम्परेचर हाई नहीं है तो डेपोजिट तो होगा वो, नो डाउट, बट दो वेल्ड के जो पासेस है वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो. ठीक है, बेसिकली हमें सीमलेस वेल्ड चाहिए होता है, हमें ऐसा नहीं कि एक लेयर भरी तो वो अलग लेयर दिखे, दूसरा लेयर भरा तो वो अलग लेयर दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए. दो वेल्ड के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, दो वेल्ड एक दूसरे से मिक्स हो जाने चाहिए, और उसके लिए हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो दो रीजन हो सकते हैं इसकी वजह से, एक तो लैक ऑफ इंटर पास फ्यूजन हो जाए कि जब दो लेयर, दो पास आपके मिक्स ना हो रहे हो तब आपको लैक ऑफ फ्यूजन मिलेगा, या तो फिर जब वेल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो साइड वॉल से गैप छोड़ देता है और उसको हम बोलते हैं लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन. ठीक है, ये दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों जनरली वेल्ड में आते हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई कैसे करना है, देखो एक सिंपल सी चीज समझो, रेडियोग्राफिक फिल्म इंटरप्रिटेशन इज ऑल अबाउट द पोजिशनिंग ऑफ द डिफेक्ट. ठीक है, मुझे ये बात पता होना चाहिए कि कौन सा डिफेक्ट कहाँ पे आ सकता है. ठीक है, अब जैसे आप जैसे जैसे आगे देखोगे तो आपको मैं ये चीज के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, बट एक चीज आपको ये समझनी है कि ऐसा नहीं कि ये डिफेक्ट कैसा दिख रहा है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि ये डिफेक्ट कहाँ पे है और कैसा दिखता है, तो वो ऑर्डर में आता है. अगर डिफेक्ट सेंटर में है तो सेंटर में कैसा दिख रहा है, अगर डिफेक्ट साइड में है तो साइड में कैसा दिख रहा है, ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, अब देखो दो चीज बोली मैंने, लैक ऑफ फ्यूजन और लैक ऑफ इंटर पास फ्यूजन. अब देखो, अब लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन होगा तो साइड में होगा बिकॉज साइड वॉल से चिपका नहीं है वेल्ड. ठीक है, तो साइड वॉल के आसपास होगा, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे होगा. ठीक है, अगर यहाँ पे भी साइड वॉल फ्यूजन आता है तो यहाँ पे कहीं पे हो सकता है. ठीक है, पहले एक चीज ये आ गया. दूसरी चीज कि लैक ऑफ, अगर इंटर पास फ्यूजन भी हुआ, लैक ऑफ इंटर पास फ्यूजन भी हुआ तो वो भी सेंटर पे तो होगा नहीं. ठीक है, यहां पे हो सकता 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 है, बट सेंटर में नहीं होगा. ठीक है,
अब बात है कि हम लैक ऑफ फ्यूजन आइडेंटिफाई कैसे करें। बहुत सिंपल है, लैक ऑफ फ्यूजन आइडेंटिफाई करना। एक तो लैक ऑफ फ्यूजन सेंटर में आएगा नहीं, बिकॉज सेंटर में जनरली हम रूट पास करते हैं उसके बाद चेक करते हैं, ठीक है। सेकेंडली, एक तो लैक ऑफ फ्यूजन आ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन। अब लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन क्या है, जब साइड का जो वॉल है वो वेल्ड से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ वेल्ड कॉन्ट्रैक्शन और समथिंग लाइक दैट, जो आप मैंने लैक ऑफ फ्यूजन की बात बाकी कोर्सेज में की है, तो आप वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकेंडली, एक तो हो सकता है कि लैक ऑफ इंटरपास फ्यूजन हो, वो भी सेंटर में तो होगा नहीं, मतलब एक तो यहाँ पे हो नहीं सकता, ठीक है, होगा तो यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, या तो यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, या तो बीच में यहाँ पे कहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखनी, ठीक है, पहला तो लैक ऑफ फ्यूजन एक डॉट नहीं होता, लैक ऑफ फ्यूजन एक लीनियर इंडिकेशन होता है। अब लीनियर इंडिकेशन क्या, ऐसा कोई इंडिकेशन जिसका लेंथ उसके विड्थ से 3 टाइम्स से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अगर आपको कोई लीनियर इंडिकेशन मिलता है सेंटर से थोड़ा ऊपर या सेंटर से थोड़ा नीचे, ठीक है, तो आप उसको लैक ऑफ फ्यूजन बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो ये देखो, ये आपका पेरेंट मेटल है, बेस मेटल है बेसिकली, ये वेल्ड है, ठीक है, ये वेल्ड का सेंटर है, ठीक है। अब वेल्ड के सेंटर के ऊपर आप देख सकते हो ये एक लीनियर इंडिकेशन है, ये एक लीनियर इंडिकेशन और ये एक लीनियर इंडिकेशन, ठीक है। तो सेंटर से थोड़ा ऊपर या सेंटर से थोड़ा नीचे अगर आपको कोई भी लीनियर इंडिकेशन दिखता है इन अ रेडियोग्राफिक फिल्म, सो इट्स सेफ टू से दैट इट इज लैक ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब इतना सिंपल भी नहीं है बिकॉज हमें हमेशा एलिमिनेशन की तरह जाना पड़ता है, वो देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। बट एक चीज याद रखो, लैक ऑफ फ्यूजन अगर आएगा तो सेंटर पे नहीं आएगा, सेकेंडली सेंटर से थोड़ा ऊपर आएगा, सेंटर से थोड़ा नीचे आएगा, और ये एक सर्कुलर या राउंडेड इंडिकेशन नहीं होगा, ये एक लीनियर इंडिकेशन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा लैक ऑफ पेनिट्रेशन। अब लैक ऑफ पेनिट्रेशन क्या होता है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन इज बेसिकली व्हेन योर वेल्ड कैविटी इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड। वेल्ड कैविटी आपने भरी बट उसके रूट पे वेल्ड कैविटी खाली रह गई। जैसे यहां पे आप देख सकते हो ये वेल्ड के सेंटर को जो नीचे होता है इसको हम रूट बोलते हैं, अगर रूट सही से नहीं भरता है तो उसी को हम बोलते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन। दिस इज अ रियली कॉमन डिफेक्ट इन वेल्डिंग, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, बेसिकली एक चीज याद रखो, आपने वेल्ड किया, वेल्ड का इमेज निकाला है रेडियोग्राफिक, तो आपने ऐसा ही किया होगा, यहाँ पे एक तरफ सोर्स रखा होगा, पीछे की तरफ फिल्म रखी होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर सोर्स रखा है, पीछे की तरफ फिल्म रखी है, तो आप अब इमेज लोगे, इमेज लेने के बाद आपको ये सेक्शन कहाँ पे दिखता है, अगर आप टॉप व्यू से देखते हो सेंटर में दिखता है, ठीक है, एक चीज याद रखिए सेंटर में। सेकेंडली, अब लैक ऑफ पेनिट्रेशन होगा तो लैक ऑफ पेनिट्रेशन डॉट तो होगा नहीं, लैक ऑफ पेनिट्रेशन इज अ लीनियर इंडिकेशन। फिर से याद रखो लीनियर इंडिकेशन क्या होता है, लीनियर इंडिकेशन इज बेसिकली अ इंडिकेशन वेयर लेंथ इज 3 टाइम्स और ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ द डिफेक्ट। तो अब क्या होगा, रूट कैविटी खाली रह गई है, रूट कैविटी अगर खाली रह गई है तो वो एक लीनियर इंडिकेशन देगा, कहां पे देगा, एट द सेंटर ऑफ द वेल्ड। इसका मतलब ये वेल्ड है, ठीक है, वेल्ड के सेंटर में आपको एक लीनियर इंडिकेशन मिल रहा है, ठीक है। सो इट्स सेफ टू से कि ये इंडिकेशन जो सेंटर पे लीनियर इंडिकेशन आ रहा है, दिस इज लैक ऑफ पेनिट्रेशन। अब इट आप वैसे बोल सकते, जैसे हमने स्टार्टिंग में पहला जो डिफेक्ट देखा उसको हमने बर्न थ्रू बोला था, वैसे बोलोगे कि सेंटर में तो बर्न थ्रू भी आया था, ठीक है, बट बर्न थ्रू इज अ राउंडेड इंडिकेशन एंड
लैक ऑफ पेनिट्रेशन इज अ लीनियर इंडिकेशन। ठीक है, अब ये भी बोल सकते हो कि सर ये इसमें और लैक ऑफ फ्यूजन में क्या ज्यादा फर्क है। ठीक है, बट एक चीज याद रखो, लैक ऑफ फ्यूजन सेंटर से ऊपर या सेंटर के नीचे होता है। अगर ये लाइन यहाँ पे नहीं होती और ये लाइन यहाँ पे होती, ठीक है, अगर ये लाइन यहाँ पे होती या यहाँ पे होती या ऊपर कहीं भी होती या नीचे कहीं भी होती, ठीक है, सो मैंने इसको बोला होता लैक ऑफ फ्यूजन। ठीक है, बट ये लाइन मुझे सेंटर पे दिख रही है, तो इट्स सेफ टू से दैट इट्स नॉट लैक ऑफ फ्यूजन, इट्स लैक ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। स्लैग इंक्लूडेड। अब स्लैग क्या होता है? बेसिकली जब हम वेल्ड करते हैं, अब फ्लक्स यूज करते हैं, स्लैग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? टू मेक श्योर दैट वट एवर वेल्डिंग दैट यू आर डूइंग, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग टेम्परेचर और द एटमोस्फियर, और गैसेस या ड्राफ्ट से हमारा वेल्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने स्लैग यूज किया। स्लैग बेसिकली क्या करता है? स्लैग एक पूल बनाते हैं वेल्ड के ऊपर। तो जैसे ही आपका वेल्ड ठंडा होता है, तो आपको वो वेल्ड का पूल आप हटाते हो बाय यूजिंग चिपिंग और बाय यूजिंग ग्राइंडिंग और बाय सैंड पेपर इटसेल्फ, तो आप स्लैग निकालते हो। बट अब क्या हो रहा है, कभी कभी क्या होता है कि अब स्लैग जनरली जब आप वेल्ड करते हो तो स्लैग मोल्टन होता है। ठीक है, स्लैग एक लिक्विड होता है। तो अगर आपने जब वेल्ड कर रहे हो और आपका वेल्ड नॉर्मल रन में है, तब तक तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, बट आपने अगर डिसरप्टिव रन किया या तो फिर आपने उसके स्पीड में अचानक से कोई इंक्रीज किया, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका वेल्ड स्लैग का पूल है वो डिसरप्ट हो जाएगा, एंड देर आर चांसेस कि आपका स्लैग वेल्ड के अंदर चला जाए या वेल्ड के मोल्टन मेटल के अंदर चला जाए। ठीक है, अब अगर ये ऐसा कोई केस हुआ तो होगा क्या? ऐसा कोई केस हुआ तो आपका जो वेल्ड है वो वेल्ड तो ठंडा होगा, वेल्ड के साथ साथ स्लैग भी ठंडा होगा। अगर वेल्ड ठंडा हो गया तो स्लैग बाहर निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर स्लैग बाहर नहीं निकला तो दैट डिफेक्ट इज नोन एज स्लैग इंक्लूजन। समझे? स्लैग इंक्लूजन मतलब बेसिकली क्या? स्लैग इंक्लूजन मतलब इट इज अ नॉन मेटालिक इंक्लूजन इन द वेल्ड। वेल्डिंग मेटालिक होती है, स्लैग नॉन मेटालिक होता है बेसिकली, इसीलिए वो जल्दी से निकल जाता है। बट अगर वही स्लैग अगर वेल्ड के अंदर रह जाए तो हम उसको स्लैग इंक्लूजन बोलते हैं। स्लैग इंक्लूजन मतलब स्लैग का अंदर रहना वेल्ड के, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये स्लैग इंक्लूजन की एक बात समझो, ये स्लैग इंक्लूजन कहीं पे भी हो सकता है, सरफेस पे भी हो सकता है, यहाँ पे सरफेस के जस्ट नीचे भी हो सकता है, एज पे भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है। स्लैग को जाने से हम रोक थोड़ी सकते हैं। ठीक है, वो तो हमारे वेल्ड पे होगा और हमारा कितना डिस्ट्रप्शन कॉज हुआ उसके ऊपर होगा कि स्लैग कैसा होता है और कैसा दिखता है या तो कहाँ पे कैप्चर होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक चीज याद रखो, तीन चीज याद रखने वाली है, तीन चीज अगर नोट कर सकते हो तो नोट कर लो। पहला तो स्लैग इंक्लूजन इज अ राउंडेड इंडिकेशन। ठीक है, राउंडेड इंडिकेशन क्या? जिसका लेंथ उसके विड्थ से 3 times से छोटा हो। ठीक है, पहला तो इट इज अ राउंडेड इंडिकेशन। सेकेंडली इट इज स्लाइटली बिगर देन पोरोसिटी। अब स्लाइटली बिगर देन पोरोसिटी क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज पोरोसिटी इज बेसिकली गैस एंट्रैपमेंट और एयर एंट्रैपमेंट। ठीक है, तो गैस और एयर को बहुत कम वॉल्यूम लगता है अपने आप को होल्ड करने के। ठीक है, बट स्लैग में क्या है? स्लैग इज एक्चुअली अ मटीरियल, इट्स नॉट गैस, इट्स नॉट सम काइंड ऑफ एयर और समथिंग, बट इट इज एन एक्चुअल मटीरियल इन साइड योर वेल्ड। तो अगर एक्चुअल मटेरियल की बात करें तो एक्चुअल मटेरियल एयर से तो ज्यादा ही जगह खाएगा। ठीक है, सेकेंडली क्या है? पहला तो स्लैग है, दूसरा मतलब स्लैग एक राउंडेड इंडिकेशन है, दूसरा स्लैग पोरोसिटी से बड़ा होता है, तीसरा स्लैग कहीं पे भी आ सकता है, पूरे वेल्ड एज पे आ सकता है, सेंटर पे आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप इमेज में देखते हो, इमेज में देखते हो तो ये देखो, पहला तो एज पे नहीं है, मतलब एज पे भी होता तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्लैग एज पे आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता था, बट दिस इज अ राउंडेड इंडिकेशन, इट्स नॉट अ लीनियर इंडिकेशन। ठीक है, सेकेंडली इट इज बिगर देन पोरोसिटी और ब्लो होल।
बिगर देन पोरोसिटी और ब्लो होल मतलब ये एक्चुअल किसी चीज का शेप है। अब स्लैग इंक्लूजन का शेप कैसा होता है, जिस हिसाब का इंक्लूजन होता है उस हिसाब का शेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शेप ऐसा है बिकॉज स्लैग ऐसा होगा, यहाँ पे शेप ऐसा है क्योंकि स्लैग ऐसा होगा, ठीक है। जनरली एक चीज याद रखो, पोरोसिटी एक्चुअल राउंड दिखती है पर स्लैग इंक्लूजन राउंड नहीं दिखता है। स्लैग इंक्लूजन जिस टाइप का इंक्लूजन होता है उस टाइप का दिखता है, बट स्लैग इंक्लूजन इज अ राउंडेड इंडिकेशन, ठीक है। आगे बढ़ो, जैसे हमने यहाँ पे देखा, जैसे मैंने तुमको बताया अभी कि स्लैग इंक्लूजन बेसिकली कहीं भी हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, सरफेस पे हो सकता है, सरफेस के नीचे हो सकता है, साइड वॉल पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। बेसिकली इसका हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते, बस इसको आइडेंटिफाई करने के दो ही दो तीन तरीके ही है। पहला तो राउंडेड होता है, एक्चुअल राउंड नहीं होता है, मतलब पोरोसिटी जितना राउंड नहीं होता है, और थर्ड पोरोसिटी से बड़ा भी होता है, ठीक है। बेसिकली आता कहीं पे भी है, कौन से भी लोकेशन पे आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज अगेन लैक ऑफ मतलब स्लैग इंक्लूजन, ये भी स्लैग इंक्लूजन है, ये स्लैग इंक्लूजन है। वैगन ट्रैक, वैगन ट्रैक मतलब आपके रूट साइड पे अगर आपको स्लैग मिलता है तो हम उसको वैगन ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। तो रूट साइड पे भी स्लैग इंक्लूजन होता है, रूट साइड पे क्योंकि रूट ओपनिंग होती है, और रूट ओपनिंग के साइड पे अगर आपको स्लैग इंक्लूजन मिलता है तो हम उसको वैगन ट्रैक बोलते हैं, एंड दैट इज जनरली इन द सेंटर ऑफ द वेल्ड। पर आप सेंटर ऑफ द वेल्ड बोलोगे तो आप मेरी बात याद करो, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड पे मैंने बोला था कि लैक ऑफ पेनिट्रेशन आता है या तो बर्न थ्रू आता, ठीक है। आप बोलोगे सर ये आपने तीसरी चीज बता दी, सेंटर में तो बहुत सारी चीजें हो गई। हाँ बट एक चीज याद रखो कि वैगन ट्रैक वुड बी अ लीनियर इंडिकेशन एंड इट वुड बी अ ब्राइट इंडिकेशन। लैक ऑफ पेनिट्रेशन और बर्न थ्रू दोनों डार्क इंडिकेशन थे, बट वैगन ट्रैक वुड बी अ ब्राइटर इंडिकेशन बिकॉज ये वेल्ड तो पूरा सही से भरा है, वेल्ड के भरने के बाद एक्स्ट्रा चीज लगी हुई है, ठीक है, इसलिए ब्राइट आता है। आगे बढ़ते हैं। सो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैक ऑफ पेनिट्रेशन। यहाँ पे नीचे से जगह खाली है, यहाँ पे भी जगह खाली है, यहाँ पे डबल वी जॉइंट है, डबल वी जॉइंट के बीच में अगर जगह खाली है तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज लैक ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है। एक्चुअल इमेज है लैक ऑफ पेनिट्रेशन की, यहाँ पे जगह खाली है, अगेन लैक ऑफ पेनिट्रेशन, यहाँ पे भी जगह खाली है, सो दिस इज ऑल्सो कैटेगराइज एज लैक ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है। लैक ऑफ पेनिट्रेशन हमें फिल्म पे कैसा दिखता है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन हमें फिल्म पे सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन दिखती है, सेंटर में एक लीनियर इंडिकेशन दिखता है, तो हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लैक ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेक्ट्स है अलग अलग जगह पे, यहाँ पे पोरोसिटी है, क्लस्टर पोरोसिटी हो सकती है, आइसोलेटेड पोरोसिटी हो सकती है, लीनियर पोरोसिटी हो सकती है। पोरोसिटी तीन चार टाइप की होती है, ठीक है, तो इतना ध्यान मत दो अभी, पोरोसिटी की अच्छे से बात आएगी तब हम अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, हमने अभी अभी बर्न थ्रू की बात की, बर्न थ्रू हमें कहाँ पे दिखता है, बर्न थ्रू एक तो हमें सेंटर पे दिख सकता है या साइड वॉल के आसपास दिख सकता है। बर्न थ्रू बड़ा होता है बिकॉज जो स्टिक होती है वेल्ड की उसका डायमीटर बड़ा होता है, उसके डायमीटर के जनरली उस डायमीटर के हिसाब से बर्न थ्रू मिलता है हमें, उस इंडिकेशन का बर्न थ्रू मिलता है। अगर डायमीटर 6 mm का है अगर स्टिक का, तो आपको 6-6.5 mm के आसपास का बर्न थ्रू मिलेगा। अगर 4 mm का डायमीटर है स्टिक का तो 4, 4.5, 3.75 के आसपास का आपको बर्न थ्रू मिलेगा। सो दैट वे इट इज इजी टू आइडेंटिफाई। और कहाँ पे मिल सकता है, एक तो सेंटर पे मिल सकता है या तो एजिस के आसपास मिल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफेक्ट, एक डिफेक्ट होता है क्रैक। क्रैक आपको पता ही है क्या होता है, क्रैक इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिफेक्ट। अब
क्रैक लेकिन होता कैसा है? क्रैक का कोई प्रोफाइल होता है? क्रैक कभी स्ट्रेट देखा है? कभी एग्जैक्ट स्ट्रेट क्रैक देखा है आपने? नहीं देखा होगा। क्रैक एक सर्टन प्रोफाइल के साथ आता है, मतलब क्रैक एकदम स्ट्रेट नहीं होता सर, ठीक है? क्रैक कहीं से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, कहीं से थोड़ा बेंड हो जाता है, कहीं से कुछ अलग प्रोफाइल में निकल जाता है, ठीक है? तो इसको आइडेंटिफाई करने का भी यही तरीका है, ठीक है? बाकी सारे डिफेक्ट जैसे हमने लैक ऑफ फ्यूजन देखा तो स्ट्रेट था, लैक ऑफ पेनिट्रेशन देखा वो भी स्ट्रेट था, बट क्रैक कभी स्ट्रेट आ ही नहीं सकता, ठीक है? ये चीज याद रखो। और क्रैक कहाँ पे आता है? क्रैक कहीं पे भी आ सकता है, क्रैक का ऐसा कोई लोकेशन नहीं है कि वो कहाँ पे आएगा, ठीक है? तो आप अगर ऐसा बोलोगे तो आप बोलोगे सर अगर हमें क्रैक सेंटर पे दिखा तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि लैक ऑफ पेनिट्रेशन है या क्रैक है, हो सकता होगा, ठीक है? इसलिए इसको एक्सपीरियंस आपको। लेकिन अगर ऐसा कोई केस आता है कि आप कंफ्यूज हो कि लैक ऑफ पेनिट्रेशन है या ये क्रैक है, तो एक चीज याद रखो, लैक ऑफ पेनिट्रेशन हमेशा स्ट्रेट होगा, ठीक है? स्ट्रेट के अलावा किसी प्रोफाइल में नहीं आ सकता, बिकॉज रूट ओपनिंग स्ट्रेट होती है। बट अगर आपको जो इंडिकेशन दिख रहा है वो इंडिकेशन कहीं से थोड़ा सीधा जाके थोड़ा सा टर्न हो गया, ठीक है? अगर वो कहीं पे भी टर्न हुआ है तो आप समझ जाना ये क्रैक है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन नहीं, ठीक है? बिकॉज लैक ऑफ पेनिट्रेशन स्ट्रेट लाइन होती है और क्रैक स्ट्रेट लाइन में आ ही नहीं सकता, ठीक है? तो दो टाइप के क्रैक होते हैं, एक तो वेल्ड के रन में जो क्रैक आता है उसको हम लॉन्जिट्यूडनल क्रैक बोलते हैं, और उस वेल्ड के रन के अगर परपेंडिकुलर कोई क्रैक आता है तो हम उसको ट्रांसवर्स क्रैक बोलते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते देखते कैसे कौन से क्रैक कैसे दिखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे एक क्रैक दिख रहा होगा, दिख रहा है? अब ये सेंटर में तो है पर ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है? इसलिए हम इसको क्रैक नहीं बोलते, मतलब हम लैक ऑफ पेनिट्रेशन नहीं बोलते, हम इसको क्रैक बोलते हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे भी एक दिख रहा होगा, ऐसी कोई लाइन जा रही है ऊपर, ठीक है? अब ये लाइन को एक प्रोफाइल है, ठीक है? इसीलिए हम इसको लैक ऑफ पेनिट्रेशन नहीं बोलते, बेसिकली हम इसको क्रैक बोलते हैं। अब ये वेल्ड के रन में नहीं है, वेल्ड का रन ये है, वेल्ड के रन के परपेंडिकुलर कोई क्रैक दिख रहा है हमें, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स क्रैक। ये दोनों एग्जांपल थे लॉन्जिट्यूडनल क्रैक्स, ठीक है? ये है ट्रांसवर्स क्रैक। अब एक और टाइप का डिफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं स्टार क्रैक या क्रेटर क्रैक, थोड़ा अच्छे से देखते हैं। ये है क्रेटर क्रैक, स्टार क्रैक। ये होता क्या, ठीक है? ये जनरली SMAW में आता है, जो स्टिक वाली वेल्डिंग होती है उसमें ये आपको डिफेक्ट जनरली देखने मिलेगा, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ये पहले तो लोकेशन के हिसाब से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला ये आता क्यों है, अगर आप स्टिक जहाँ पे आप स्टिक लगाते हो सबसे पहली बार, या तो आप जहां से स्टिक उठाते हो वेल्ड होने के बाद, वहां पे जहां से समझो मैंने स्टिक यहां से मैं भरते भरते आया और यहां से मैंने स्टिक उठाई, अब स्टिक उठाई मतलब क्या, स्टिक उठाई मतलब स्टिक के जो आगे का पार्ट है वो तो मोल्टेन है, ठीक है? उसमें टेम्परेचर ज्यादा है, वो मोल्टेन भी है, तो जब मैं उठाता हूँ तो थोड़ा सा वेल्ड उसके साथ निकल जाता है, ठीक है? और वेल्ड अगर उसके साथ निकल जाता है तो हम उसको बोलते हैं स्टार क्रैक और क्रेटर क्रैक। दिस इज जनरली अनअवॉइडेबल, बिकॉज अगर आप SMAW करोगे तो ये आएगा ही। कहाँ आएगा, एक तो बिगिनिंग ऑफ द वेल्ड आता है या तो एट द एंड ऑफ द वेल्ड आता है, ठीक है? तो जनरली अनअवॉइडेबल है, बट लोकेशन से आप पता लगा सकते हो ये कौन सा टाइप का डिफेक्ट है। और स्टार क्रैक या क्रेटर क्रैक को हम जनरली डिफेक्ट भी नहीं मानते, बिकॉज ये जनरली आता ही आता है और इसको हम हटाने के लिए कुछ नहीं कर सकते बेसिकली। तो इसको हम देखते हैं टॉलरेंस इसका ज्यादा रखा जाता है ताकि ये आए तो भी हम इसको डिफेक्ट ना माने, बिकॉज ये जिस टाइप का प्रोसेस कर रहे हैं उस टाइप के हिसाब से आने आए, ठीक है? इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है पार्ट पर। अब नेक्स्ट डिफेक्ट अंडरकट। तो अंडरकट क्या होता है, आप सबको पता है अंडरकट क्या होता है, हमने पहले भी देखा है, हमने जब वेल्ड गेज में बता रहा हूँ आपको तभी भी आपने सुना होगा। अंडरकट क्या होता है, बेसिकली जब वेल्ड के साइड में जगह खाली रह जाती है तो हम इसको बोलते हैं कैप अंडरकट, ठीक है? वेल्ड के नीचे अगर जगह खाली हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं रूट अंडरकट, ठीक है? आइडेंटिफाई कैसे करते, देखो ये हमेशा याद रखना, ये वेल्ड है ऊपर से, आप वेल्ड अगर ऊपर से देख रहे हो वेल्ड को तो ये वेल्ड की सेंटर लाइन है, सेंटर से एज की तरफ है, या तो यहाँ पे होता तो यहाँ पे भी एज की तरफ होता, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो और यहाँ पे ध्यान दो,
वेल्ड के एज पे अगर आपको कोई ब्लैक लाइन दिखती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दिख रही है, अगर यहाँ पे भी होती तो हम इसको बोलते हैं कैप अंडर कट, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैप अंडर कट बोलते, ठीक है। कैप अंडर कट कहाँ पे होता है, वेल्ड के एज पे होता है, ठीक है, सेंटर से देखोगे तो एच पे दिखता है, तो यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो तो एच पे, ठीक है। एक होता है रूट अंडर कट। अब रूट अंडर कट क्या होता है, अगर ऊपर से देख रहे हो तो ये सेंटर है, सेंटर से थोड़ा हटके है, या थोड़ा हटके यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। एक चीज फिर से याद रखो, ये कैप अंडर कट एच पे होगा, रूट अंडर कट सेंटर से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। तो यहां पे देखोगे तो ये सेंटर है, सेंटर से थोड़ा ऊपर की तरफ है आपका रूट अंडर कट, ठीक है। अब आप मुझे बोलोगे कि सर आपने तो बोला था सेंटर से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे लैक ऑफ फ्यूजन होता है, होता है लैक ऑफ फ्यूजन, बट एक चीज याद रखो, रूट अंडर कट और लैक ऑफ फ्यूजन में एक बेसिक डिफरेंस है, लैक ऑफ फ्यूजन स्ट्रेट लाइन था, रूट अंडर कट स्ट्रेट लाइन नहीं, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर इसमें तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्रैक है या रूट अंडर कट है, हो सकता है क्रैक और रूट अंडर कट में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, वो जनरली आपको एक्सपीरियंस से आएगा, बट बाकी सारे डिफेक्ट और आप रूट अंडर कट में आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्रैक है या रूट अंडर कट है ये आपको जनरली एक्सपीरियंस से ही आ सकता है, बट आप बाकी सारे अगर चीजें प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हो तो ये आपके लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।